प्रणाम जी। इन नक्शे के माध्यम से पुखराज पहाड़ की 14 मेहराबों की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। आप श्री राज जी, श्री श्यामा जी की मेज से रंग महल की उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर आते हैं, जहाँ भूम बल ऊंचा चबूतरा पुखराज का शोभायमान है। खीर कराई 1000 हांस पर गोल गोर्चियों की अपार शोभा, 4 लाख कोस की कृत और 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा। चबूतरे के ठीक मध्य में 44,400 कोस का चबूतरा उठा भूमभर। चबूतरे की चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ी हैं। सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए तो घेर कर 250 कोस की नूरमयी रोंस। रोंस की बाहरी किनार पर सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़े की शोभा भीती तरफ हर दिशा में 13-13 मोहलाते और एक महल ठीक मध्य में, ठीक मध्य का महल और चारों दिशाओं का जो मध्य का महल है, 6-6 दाएं बाएं बीच का जो 13वां महल मोहल है, ये पांचों मोहल वही है जो तरटी से प्रकट हुए हैं। ठीक मध्य के मोहल में जल के स्तून की शोभा है। ये पांचों मोहल जिन्हें पेड़ भी कहते हैं, पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ है। 5 भूम तक छेद सीधा जाते हैं, इनकी 5 भूमि सीधी जाती हैं। 6ठी छाद से इनसे छज्जे बढ़ने शुरू होते हैं। शेष मोलातों की 2 भूम तीसरी चांदनी है। अब 6ठी चांदनी से इन 5 मोलातों के छज्जे बढ़ने शुरू होते हैं। वो किस तरह से वो शोभा देखते हैं। ठीक मध्य का पेड़ जिसमें जलस्तून की भी शोभा है, चारों दिशाओं में घेर के मोहलाते और भीतर की ओर जलस्तून की शोभा। ये पेड़ चारों दिशाओं के पेड़ की तरफ 11-11 कोस के छज्जे बढ़ाता है। दिशा के पेड़ की तरफ 11-11 कोस के छज्जे बढ़ाते हैं। पूर्व दिशा का पेड़ बंगला जी की तरफ 44 कोस के छज्जे, उत्तर दिशा का पेड़ उत्तर दिशा की घाटी की तरफ 44-44 कोस के छज्जे, पश्चिम दिशा का पेड़ पश्चिम की तरफ पश्चिम घाटी की तरफ 44-44 कोस के छज्जे बढ़ाता है और दक्षिण दिशा का पेड़ महावन की छत्री की तरफ 44-44 कोस के छज्जे बढ़ाते हैं। इस तरह से भूम दर भूम छज्जे बढ़ते हैं। अब छज्जों का विस्तार किस तरह से होता है वो शोभा देखते हैं। ठीक मध्य का पेड़ देखें, ये चारों दिशाओं की तरफ 11-11 कोस के छज्जे बढ़ाता है। 6ठी छाद से 11-11 कोस के छज्जे बढ़े, छज्जे की पूर्व किनार पर थंब आ गए कोस कोस के अंतर पर, चौड़ाई तरफ भी कोस कोस के अंतर पर थंब। ये थंब भूमबर ऊंचे गए हैं। अब नेक्स्ट जो छत आएगी इन थंबों तक आ जाएगी। पुनः इन छज्जे से 11-11 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। छज्जे की पूर्व किनार पर थंबों की शोभा, एक भूम के थंब, इनके ऊपर एक छत आ गई। आगे आगे ऐसे छज्जे बढ़ते जाएंगे, थंब दहलानों कचहरियों की शोभा 11 कोस में और पीछे की जगह में मोहलाते बढ़ती चली जाएंगी। दिशा का पेड़ जब दिशा के पेड़ की तरफ छज्जे बढ़ाता है तो इसी तरह से 16.5 कोस के छज्जे बढ़ते हैं। चौड़ाई तरफ 17 थंब, लंबाई तरफ कोस कोस के अंतर पर थंब। ये थंब भूम भर की हैं, इनके ऊपर एक छत आ गई। पुनः 16.5 कोस का छज्जा निकला, छज्जे के किनार पर थंब। यहां पर भी आगे आगे थंब दहलानों की शोभा, पीछे पीछे मोहल बढ़ते जाएंगे। ठीक इसी तरह से चारों दिशाओं के पेड़ जब बाहर की ओर यानी बंगला जी घाटियों या महावन की छत्री की तरफ छज्जे बढ़ाते हैं 44-44 कोस के, तो आगे आगे 11 कोस में कचहरी दहलान थंबों की शोभा, सुंदर दहलानों की शोभा और पीछे पीछे मोलातों का विस्तार होता चला जाएगा। छज्जों का विस्तार किस तरह से होता है इसको यहाँ एक माया के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक खुले चौक में 10x10 का एक रूम लेवे, उनके ऊपर छत। यहाँ पहली छत से चारों दिशाओं में एक एक फीट का छज्जा बढ़ जाए, छज्जे के किनार पर थंब आ जाए एक फूम के, एक मंजिल के, उनके ऊपर छत आ जाए।
अब ये छत जो कमरे की छत है वो आ जाए थंबो तक और पुनः यहां से छज्जा बढ़ जाए। तो 10x10 का जो हमारा कमरा था ऊपर ऊपर जैसे जाते जाएंगे भोम दर भोम उसका विस्तार एक एक फीट बढ़ता जाएगा उल्टी सीढ़ी के माफक। तो आगे आगे थंब दहलानों कचहरी की शोभा सुंदर छज्जों की शोभा दहलाने थंबों की हार उनमें कठेरा मेहराबी ऊपर सुंदर इन कोटक कचहरियों में सुंदर बैठकों की शोभा इस तरह से उल्टी सीढ़ी के माफक विस्तार होता चला जाएगा। 250 भोम तक इस तरह से भोम दर भोम छज्जे बढ़ेंगे। 250 भोम तक छज्जों का विस्तार होगा पांचों पेड़ों से। 250 भोम पर जाके जो नीचे का 44,400 कोस का जगह है उसमें जो जगह बाकी रह जाएगी वो एक छज्जे के द्वारा ढप जाएगी। 44,400 कोस पर एक छत हो जाएगी। 250 भोम में ही बंगला जी की तरफ और उत्तर पश्चिम घाटी की तरफ एक पार्ट पड़ जाएगा 66,000 कोस का तो लंबा और 400 कोस का चौड़ा। इसे लंबे पुल की तरह भी कहते हैं, लंबे छज्जा भी इसको कहा जाता है। तो 250 भोम में आने जाने का एक रास्ता हो जाएगा। 250 भोम से हम पुखराज से बंगला जी भी जा सकते हैं और दोनों घाटियों में भी जा सकते हैं। दक्षिण दिशा का पेड़ जो छज्जे बढ़ाया था महावन की छतरी की तरफ वो महावन की छत्ती से एक रूप मिलान कर लेगा। तो सब तरफ से आने जाने का रास्ता हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 मेहराबों की शोभा दिखाई देती है। पुखराज के चबूतरे पर खड़े हैं, यहाँ पुखराज के चबूतरे पर खड़े हैं तो ठीक मध्य में देखेंगे चौरस चबूतरा। चौरस चबूतरे पर 8 सुंदर मेहराबे दिखाई देंगी। ठीक मध्य के पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ की तरफ ये देखिए मेहराबों की शोभा 4 और दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ ये 4 मेहराबों की शोभा 8 मेहराबे ये हुई। अब 3 पार्ट जो ये पड़े इन पार्टों के बंगला जी और पुखराज की संधि या घाटी या पुखराज की संधि के मध्य एक महावन का वृक्ष लगेगा जिससे ये पार्ट 2-2 मेहराबों में नजर आएंगे। तो इस तरह से कुल 14 मेहराबों की अलौकिक अति मनोहारी शोभा यहाँ नजर आएगी। 250 भोम के बाद यहाँ जो एक 44,400 कोस की एक छत हो गई है ये गिरद्वाए 44,400 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। गिरद्वाए 44,400 कोस के छज्जे आगे आगे थम दहलान कोटक कचहरियों की शोभा और पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाएंगी। 750 भोम तक इस तरह से विस्तार होगा। 1,000 भोम ऊपर नीचे जो पुखराज का चबूतरा था उन पर एक छत हो जाएगी। इस तरह से पुखराज की छठी चांदनी से 1,000 भोम तक की शोभा इन नक्शे के माध्यम से देखी। अब इन्हीं शोभा को खड़े दृश्यों के माध्यम से देखते हैं। नक्शे में देखिए पुखराज का गोल चबूतरा चौरस चबूतरा 5 पेड़ आधार स्तंभ जो 5 भोम तक सीधा जा रहे हैं। छज्जे बढ़ते हुए उल्टी सीढ़ी के माफक ये देखिए दिशा का पेड़ दिशा के पेड़ की तरफ जब छज्जे बढ़ा रहा है ये देखिए उल्टी सीढ़ी की तरफ 16.5-16 कोस के छज्जे विस्तार बढ़ता चला जाता है। 250 भोम तक ऐसे एक विस्तार होता है। उसके बाद गिरद्वाए छज्जे बढ़ते हैं ये देखिए 8 मेहराबी चबूतरे पर दिशा से दिशा की तरफ 1 मेहराब यहाँ दिखा रखी है ऐसे 4 मेहराबे और मध्य पेड़ से चारों तरफ मेहराबे। और ये देखिए बंगला जी की तरफ लंबा छज्जा और पीछे घाटी की तरफ लंबा छज्जा इनके नीचे एक महावन का पेड़ आने से ये दो दो नजर आते हैं। इस तरह से 6 मेहराबे ये हुई। इसमें देखिए पुखराज का मध्य चौरस चबूतरा चारों दिशाओं में 13-13 महल 2 भोम के 5 पेड़ उनमें आई मेहराबे 8 और ऊपर देखिए 250 भोम से 750 भोम तक गोलाई में गिरद्वाए भोम दर भोम जो छज्जे बड़े हैं।
5 मिनट तक सीधे गए, उनके पास छज्जों का विस्तार देखिए, उल्टी सीढ़ी के माफक छज्जों का विस्तार। ग्रिदवाई विस्तार, लंबा पुल जो भूम दर भूम कम होता जा रहा है। ढाई सौ घूम के बाद गिरदवाई छज्जे 40-40 कोस के आगे आगे देखिए, थम दहलानों की शोभा पीछे पीछे मोहलाते। हजार घूम तक की शोभा। अब आगे शोभा देखते हैं बंगला जी की, पुखराज की पूर्व दिशा। बंगला जी की शोभा, बंगला जी में देखा था भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा, किनार पर रोस की शोभा, 5 बड़े वन के वृक्ष, 4 फील पाए, 5 बड़े वन के वृक्ष, भीतर 48 के 48 साल बंगलों और चह बच्चों के चबूतरे, जिन पर बंगलों और चह बच्चों की शोभा ही है। 5 भूम तक ये शोभा आएगी, जिसका विस्तार आगे आने वाले नक्शों में देखेंगे। छठी चांदनी पर एक छत हो जाती है, बड़ों वन की फील पायों की एक ही भूम में बंगला जी की 5 भूम में समाई है, इन पर एक छत हो जाती है। 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी, ठीक मध्य में 400 कोस की तो चौड़ी और घेर कर 12,000 कोस की लंबी ढलान उठी। इन दहलान के बाहरी तरफ देखिए थंबों की हार और भीतरी तरफ दीवार की शोभा है। इन दीवार के भीतर जल की शोभा है। पुखराजी ताल का प्रारंभ यहीं से होता है। 11,200 कोस की चारों दिशाओं में दीवार की शोभा है। 400 कोस की यह दहलान की शोभा है। ये थंब भोंबर उठे। अब जो छत पड़ी इन दीवार से इन थंबों तक छत, और यहां से 44 कोस के छज्जे बढ़ गए। ऐसे आगे आगे 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। 11 कोस में बाहर की तरफ दहलानों की शोभा और भीतर ताल बढ़ता चला जाएगा। आगे आगे थंब छज्जों की शोभा, पीछे पीछे ताल बढ़ता चला जाएगा। शोभा देखने का प्रयास करते हैं। बंगलों की छठी चांदनी से 12,000 कोस की लंबी और 400 कोस की चौड़ी दहलान आई है। चार सौ कोस की तो चौड़ी और 12,000 कोस की लंबी घेर कर दहलान आई है। बाहरी तरफ थंब आए हैं, ये डॉट्स दिखा रखे हैं थंबों की हारे। भीतरी तरफ दीवार आई है, ये देखिए भीतरी की तरफ दीवार की शोभा आई है। ऐसी बनक चारों तरफ आई है। इस दीवार के भीतर तरफ पानी का कुंड आया है, नीले रंग में कुंड दिखाया गया है। 11,200 कोस में कुंड है, 11,200 कोस में कुंड है और 400 कोस की घेर कर ये दहलान की शोभा है। अब इन दहलान की, ये जो दहलान है इनकी किनार से जो चांदनी की किनार देखेंगे चारों दिशाओं में 44,000 कोस की दूरी पर है।
इस तरह से चारों तरफ 44,000 कोस की दूरी पर किनारा आई है चांदनी की। दहलान की चांदनी से 44 कोस का छज्जा चारों तरफ से निकला। छठी चांदनी से 44 कोस का छज्जा चारों तरफ से निकला। इस छज्जे पर बाहरी तरफ थंब और थंबों में कठेड़ा आया है। जो छज्जा निकला उसके बाहरी तरफ थंब और थंबों में कठेड़ा और भीतर की तरफ दीवार की शोभा आई है। इस दीवार तक कुंड का पानी बढ़ा। इस छज्जे की छात से फिर 44 कोस का छज्जा निकला। इस छज्जे के किनार पर थंब भोंबर ऊंचे थंबों के बीच में कठेड़ा भीतरी तरफ दीवार आई है। अब ताल कुंड का पानी इस दीवार तक आया है। इस प्रकार भूम दर भूम छज्जा आता गया, पीछे पीछे पानी बढ़ता गया माने उल्टी सीढ़ी के। इस प्रकार से 250 भूम तक छज्जे निकलते हैं। भूम दर भूम आगे छज्जे, पीछे पीछे दीवार बढ़ती जाती है। ताल का विस्तार उल्टी सीढ़ी के माने होता जाता है। 250 भूम पूरे होने पर पुखराज की तरफ पाट पड़ जाता है और पूर्व में ये जो छज्जे हैं ये दहलान से पूर्व दिशा में जो दहलान आई है उन दहलान से मिलान कर लेते हैं। पंगला की पूर्व में दहलान की शोभा देखी थी, 8 थंबों की 14 हारे जिनमें 4 नहरों और 3 बैठकों की शोभा हुई थी। ये दहलाने चबूतरे से चली आ रही हैं और 1,000 भूम ऊपर तक जाएंगी और पूर्व में इन्होंने अदबीज के कुंड की दहलान से मिलान किया हुआ है। इस तरह से 250 होम से बंगला जी से अदबीज के कुंड में भी जा सकते हैं दहलानों के जरिए और पाठ के जरिए पुखराज में जा सकते हैं। 250 भूम के बाद ताल बढ़ना रुक जाता है, वहां पे सीधी दीवार आ जाएगी 980 भूम तक और अब आगे आगे छज्जे पीछे पीछे मोहलाते बढ़ने शुरू हो जाएंगी। 44 कोस के छज्जे पुनः बढ़ेंगे लेकिन अब आगे आगे थम दहलानों की शोभा कोटक कचहरियों की शोभा और पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाएंगी 980 भूम तक। 980 भूम ऊपर बंगलों का जो चबूतरा था उन पर एक छत हो जाएगी। इस तरह से देखा बंगला की चांदनी से पुखराजी ताल की जो शोभा देखी, छठी चांदनी से बंगलों की 980 भूम तक की शोभा देखी। अब इन शोभा को खड़े दृश्यों के माध्यम से देखते हैं। बंगला का चबूतरा 5 पेड़ 4 फील पाए, 5 पेड़ दहलान की शोभा, बंगलों की छठी चांदनी पर चार सौ कोस की चौड़ी और घेर कर चारों दिशाओं में घेर कर 12,000 कोस की लंबी दहलान, दहलान के बाहरी तरफ थंब और भीतरी तरफ दीवार की शोभा, 11,200 कोस की दीवार, चारों दिशाओं में 11,200 कोस, इनके भीतर जल। अब यहां से गिरदवाए 44-44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे, आगे आगे छज्जे पीछे पीछे ताल बढ़ता चला जाएगा। थम दहलानों की शोभा कोटक कचहरियों की शोभा देखिए, आगे आगे बैठकों की शोभा, पीछे पीछे ताल बढ़ता चला जा रहा है उल्टी सीढ़ी के माने। 250 भूम में बंगला के पूरब में जो दहलान आई है उनसे मिलान हो जाएगा और पुखराज की तरफ पाट पड़ जाएगा, लंबा पुल पड़ जाएगा आने जाने का एक रास्ता।
अब पुनः छज्जे बढ़ेंगे, 250 ओम के आगे भी छज्जे बढ़ते हैं, लेकिन ताल बढ़ना रुक गया है। आगे आगे थंब दहलाने, पीछे पीछे मौलाते बढ़ती चली जाएंगी। 980 ओम तक इस तरह से विस्तार होगा। बंगलों की छठी चांदनी से पुखराजी ताल का आरंभ, आगे आगे थंब, पीछे पीछे ताल बढ़ता जाता है। 250 ओम तक ये शोभा रहती है। आगे आगे थम छज्जों की शोभा, पीछे पीछे ताल का विस्तार होता जाता है। 250 ओम के बाद बंगला जी पुखराज से भी मिलान कर लेता है और पूरब की दहलान से भी मिलान कर लेता है। तो इन दक्षिण में देखिए मिलान दिखाया है दहलान के साथ। 250 ओम में देखिए दहलान के साथ मिलान हो गया है, पूरब की दहलान के साथ। पुखराजी ताल की पूरब की दहलान, 8 थंबों की 14 हारे, 8 थंबों में 7 दहलाने, 4 में नहरों की शोभा, 3 में सुंदर बैठकों की शोभा। पुखराजी ताल की पूरब की दहलान ने अरबी के कोण में जो पश्चिम दिशा की दहलान आई है उनसे एक रूप मिलान किया है। की शोभा देखी छठी चांदनी से, पुखराजी ताल की शोभा देखी। अब पूरब में, बंगला के पूरब में तीसरे हिस्से में जो अद्विज का कुंड आया है उसकी छठी चांदनी से शोभा देखते हैं। पहले 5 भूमि में चबूतरे से शोभा देखी थी, किनार पर रोज की शोभा, 5 बड़ो वन के वृक्षों की मनोहारी हारे, 4 फील पाए, 5 बड़ो वन के वृक्षों की पुनः मनोहारी हारे और भीतर 28 के 28 हार बगीचों की। भूम दर भूम 5 भूम तक ये शोभा आई है। अब छठी भूम से शोभा देखते हैं, किनार पर खेलकर रोस 5 हारे, मधुवन की कही जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि भूम दर भूम 490 भूम तक ही आएंगी। 4 हारे जहां फील पाई की आई थी वहां पर जवेरातों के मोहलों की 3 हारे आ जाएंगी। भीतर पुणे 5 हारे बड़ोवन मधुवन के वृक्षों की, भीतर की ओर 75 कोस की रोस, रोस के भीतर की ओर 3 सीढ़ी उतर के 100 कोस की रोस पे आएंगे। आगे जो ठीक मध्य में जल का स्तून आ रहा था, नीचे जो होमो में देखा था कि 28 के 28 हार जो बगीचे हैं उनके ठीक मध्य में 3 हांस का चबूतरा, जिसमें एक हांस में जल का स्तून आ रहा था, वो यहाँ छठी चांदनी पर फूटता है। तो यहाँ पर ठीक मध्य में जहाँ 28 की 28 हारे चाय बच्चों की आई थी, उनमें फील पाए आए थे, उन जगह पर यहाँ पर एक ताल हो जाता है। 11,000 कोस का लंबा चौड़ा। और यहाँ पे देखिए जो 28 के 28 साल फील पाए हैं वहां जल में डूबे हुए यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। तो भूम दर भूम ये शोभा 490 भूम तक जाती है। 5 भूम की शोभा पहले हुई, 490 भूम तक ये शोभा जाती है। भूम दर भूम मधुवन के वृक्षों की भूमि, जवेरातों के माहौलात, फिर मधुवन के वृक्ष और भूम दर भूम ताल इस तरह से आता है। इन ताल में कमर घर गहरा पानी है और फील पायों की हारे 28 के 28 हारे भी भूम दर भूम जा रही हैं। अद्विज की कुंड की छठी भूम से शोभा, मधुवन के वृक्षों की 5 हारे, फील पायों के महल, जवेरातों की जो महल आए हैं उन्हें फील पायों के महल कहते हैं, पुनः 5 हारे मधुवन के वृक्ष और ठीक मध्य में ताल की शोभा, जिसमें 28 के 28 हार फील पाए जलस्तून जिन्हें कहते हैं डूबे हुए दिखाई देंगे और पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा नजर आएगी। बंगला की दहलान से एक रूप मिलान किए पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा, जो अद्विज के चबूतरे से उठी थी, 8 थंबों की 14 हारे जिनमें 4 नहरों की शोभा और 3 बैठकों की शोभा भूम दर भूम आई है। फीलपाए के महल, मधुवन ठीक मध्य में ताल की शोभा, जल में डूबे फीलपाए ठीक मध्य में सुंदर बैठक की शोभा, 3 हांस का चबूतरा,
चारों दिशाओं में 12 थंब सुंदर मेहराबे जल में डूबे फील पाए, 28 के 28 हार फील पायों की शोभा, भूम दर भूम ऐसे 490 भूम तक शोभा आती है। मधुवन के वृक्षों की 5 हारे फील पायों के महल मधुवन की हारे हैं। ठीक मध्य में ताल पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा, इस तरह से 14 मेहरा पुखराज की पुखराजी ताल और अदबीज के कुंड की शोभा हुई।